नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 700 स्क्वायर फीट छत्र ढलाई में टोटल ए टू जेड क्या खर्चा लगेगा उसी को देखेंगे, ठीक है। स्लैब प्लस बीम, स्लैब एरिया भी हम लोग ऐड करेंगे, बीम भी एरिया ऐड करेंगे। टोटल कितना सीमेंट ले, कितना बालू ले, कितना गिट्टी ले, कितना छर लगेगा, उसके बाद कितना आपको लेबर को पेमेंट करना वाला, इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है और रफ एस्टिमेट आपको मिल जाएगा आपको छत में कितना खर्चा लगेगा ढलाई में। तो चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, 700 स्क्वायर फीट छत ढलाई में छत प्लस बीम लगा के टोटल कितना खर्चा आएगा इसी को देख लेंगे। लेबर में कितना जाएगा आपको, मटेरियल में कितना जाएगा, दोनों खर्चा को देखेंगे। तो सबसे पहले स्लैब जो टोटल है हमारा 700 स्क्वायर फीट है प्लस बीम, तो स्लैब प्लस बीम दोनों के एरिया को हम लोग ऐड कर लेते हैं। स्लैब मेरा 700 स्क्वायर फीट हुआ, 175 स्क्वायर 25% ऑफ हम ले लिए स्लैब का एरिया, 20-25% हमारा बीम में जाता है। तो 175 स्क्वायर फीट हम लोग क्या कर लिए, बीम में ले लिए। तो टोटल 875 स्क्वायर फीट आपका क्या हो गया, स्लैब प्लस बीम का एरिया हो गया। उसके बाद थिकनेस जो हम लोग रखने वाले हैं वो 5 इंची, ढलाई जो करने वाले हैं 5 इंची ढलाई करने वाले हैं। आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपका छत कितना ढलाई होगा, ठीक है, और किस रेशियो में ढलाई होगा, और प्रॉपर ध्यान रखना कि ढलाई जब हो रहा है उस रेशियो में हो रहा है एक्चुअल या नहीं। आपको खुद से ये सब चीज गाइड करना है, क्योंकि आप जो रेशियो बोलिएगा उस रेशियो में आपका ढलाई नहीं हो रहा होगा जब एक्चुअली आप चेक कीजिएगा। आप जब चेक कीजिएगा तो आपका जो हो रहा होगा 1.5-3 के रेशियो में ढलाई हो रहा होगा। बालू और गिट्टी का मात्रा लगभग सेम कर दिया जाएगा, जिससे क्या हमारा स्ट्रेंथ जितना मिलना चाहिए उतना हमारा छत में स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता। इसीलिए ध्यान रखें 1.5-3 M20 ग्रेड से हमारा क्या ढलाई होना चाहिए। एक अगर बोरा बालू दे रहा है तो आपको मान के चलिए कि उसमें आपका 3 तरछा आपको, ठीक है, 3 तरछा क्या देगा, बालू देगा और 6 गिट्टी देगा, तब आपका सही मात्रा में ढलाई हो रहा है। आगे चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सीमेंट की बात कर लें तो सबसे पहला हमारा 80 बैग के आसपास आपका सीमेंट खर्चा आएगा, ठीक है, ये हमारा रफ एस्टिमेट है, ठीक है, 700 स्क्वायर फीट का। तो उसके बाद 80 बैग लगेगा और इसका रेट जो पड़ने वाला है आपको ACC का F2R यूज करना है, लफार्च का कॉन्क्रीटो यूज करना है, या फिर अल्ट्राटेक का प्रीमियम यूज करना है, ये सब ब्रांड का यूज करना है प्रीमियम क्वालिटी। तो इसमें आपको 420 रुपए मिनिमम में बता रहा हूं, 420 रुपए तो खर्च लग जाएगा पर बैग, तो 33,600 रुपए आपको अमाउंट टोटल लगने वाला है सीमेंट में। उसके आगे बात करें सेंड की, तो सेंड देख सकते हैं 147 CFT आपको सेंड लगेगा, ठीक है, 147 जो आपको 60-70 रुपए, मैं बिहार से हूँ, बिहार में भागलपुर से हूँ तो मैं अपने आसपास का रेट बता रहा हूँ। बिहार में आपको जो नियर बाय में वहां तो 45 रुपए पर CFT भी मिलता होगा जो घाट के, लेकिन 60-70 रुपए मैं जनरल पकड़ के चलता हूँ, तो 65 रुपए में लिया हूँ तो 9,555 रुपए का आपको सेंड लग जाएगा। आगे चलिए एग्रीगेट की ओर, तो एग्रीगेट गिट्टी, ठीक है, लगभग इसके डबल हमें यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना। तो 294 मतलब 3 टेलर मंगा लेना है आपको गिट्टी, ठीक है, और 2 टेलर क्या मंगाना, सेंड, और लेकिन जो टेलर में हमको मंगाना है उसमें फीता से नाप के लेना है तभी आपको एक्यूरेट मटेरियल मिलेगा, नहीं तो आपको एक्यूरेट मटेरियल नहीं मिलेगा। एग्रीगेट ये आपको लेना है जो आपको 70 से CFT इसका यूनिट हो गया, 70 से 80 रुपए पर CFT, तो मैं 75 रुपए एवरेज पकड़ के चलता हूं, तो 22,050 रुपए हमको खर्चा आ जाएगा गिट्टी में, ठीक है। आगे चलते हम लोग स्टील की ओर, स्टील जो आपको लगेगा 900 kg के आसपास लगेगा अगर 1-2 फ्लोर का आप घर बना रहे, यही आप मल्टी स्टोरेज घर बनाइएगा तो आपको अप्रोक्स जो खर्चा आएगा 1400 kg के आसपास लग जाएगा, 1400 kg 1200 kg के आसपास आपको खर्चा लगेगा। अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनेगा तो क्या होता है कि उसमें हम लोग बीम हैवी देते हैं, उसमें 16 mm का सरिया देते हैं, तो एक वेट जो होता है बढ़ जाता है। अभी हम नॉर्मल घर अगर बना रहे हैं 2 फ्लोर का बना रहे हैं तो आप लोग 12 mm का सरिया प्रोवाइड कीजिएगा बीम में, तो उस हिसाब से मैंने इसमें कैलकुलेशन किया हुआ है, तो आपको अपना स्ट्रक्चर के हिसाब से कैलकुलेशन करना। तो 900 kg मैंने लिखा है 700 स्क्वायर फीट में, जो आपको 80 रुपए kg टॉप ब्रांड का स्टील मिल जाएगा। अभी 83 रुपए kg MRP टाटा टिस्कॉन का है, आपका जिंदल स्टील का है, JSW सब ब्रांड का टॉप स्टील जो है उसका 83 से 84 रुपए 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो 79 रुपए 78 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल जाएगा 80 के आसपास, तो 72,000 रुपए का आपको क्या लग जाएगा, सरिया लग जाएगा। उसके आगे चलते हैं लेबर रेट पे, लेबर जो आपको लेगा 700 स्क्वायर फीट है, 700 स्क्वायर फीट है और 50 रुपए स्क्वायर फीट मिनिमम खर्चा लगता है, ठीक है, 55 भी आपसे मांग सकता है, 60 भी मांग सकता है, तो मैं 50 मिनिमम पकड़ के चलता हूं, तो 35,000 के आसपास आपको लेबर में लग जाएगा। इसको अगर तोड़ के देखें तो आपको लगभग 22 रुपए स्क्वायर फीट आपको शटरिंग में लग जाता है, 10 रुपए स्क्वायर फीट ढलाई के दिन खर्चा लग जाता है, और
₹18 के आसपास मैं बोलता हूँ छड़ बांधने में आपको खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से ₹50 स्क्वायर फीट आपको छत ढलाई में खर्चा होने वाला है, लेबर रेट देना पड़ेगा। तो टोटल जो खर्चा आ जाएगा कितना आ जाएगा, ₹1,72,205। तो पर स्क्वायर फीट में खर्चा एक बार आप डिवाइड कर दीजिए 700 से, तो पर स्क्वायर फीट आपको आ जाएगा ₹246। तो ₹250 मिनिमम तो पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा पड़ने वाला ही है अगर आप छत ढलाई करा रहे हैं और इस रेशियो में करा रहे हैं, इस ग्रेड में करा रहे हैं तब, और जितना मैं थिकनेस बता रहा हूं उतना आप लोग यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो यहीं तक रहेंगे, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।